support Sindhi content. Visit our new website now and enjoy all your favorite videos at one place. SindhTV.tv. मैं शेफ सुल्तान जी सफर कुकिंग शो में दस सब खैर से होंदा है रेसिपी से कटा जला खाइंदा है तमाम मजेदार ताज फरमाइश के मुताबिक गर्मी जे हिसाब से काफी सारा खादा खायो पे रमजान भी अच्छे पे इंशाल्लाह रमजान जी रेसिपीज नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कंदा से ये जका खादा ठाइंदा है शारजा कुकिंग ऑयल सा अगर शारजा कुकिंग ऑयल विटामिन ए ए डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल है लो कोलेस्ट्रॉल घी है ओमेगा 3 मौजूद है मजेदार में खादा ठांदा है आज भी जका रेसिपी ठाया पे वो है दम आलू की बिरयानी मज़ेदार बिरयानी है गर्मी में तो आलू की वेजिटेबल बिरयानी खाई तो सुनो लगन गोश्त जी तासीर गर्म होंगी है तो इन कर पगर पटाटन की खीरणी ठाए पे मज़ेदार रेसिपी है ये भी नोट कजो बार खास कर तमाम सुठी है जी बार ग्रोथ कहना है उन्होंने इन टाइप की खीरणी ठाई दियो तमाम सुठी तक लगती बार तमाम फायदेमंद है उनसे गुड गर्मी काफ़ी काफ़ी सारी तक ड्रिंक्स ठाण सिखारियो है टैंक असा गड है टैंक की तमाम वसी रेंज है अस जो हाँ नए फ्लेवर्स में भी दस्तियाब है मार्केट में जैमें लेमन पेपर है यानी लीमो कारे मिर्च फ्लेवर है ऑरेंज है एप्पल है यानी सूफ़ जी पाइन एप्पल है ऑरेंज है मौसम्बी जो मैं कल ठाण सिखा मज़ेदार यह ड्रिंक है रिफ्रेशिंग ड्रिंक है इनके तय खाधे में भी पा सक जग ठाई रखी सूता रमजान अच्छे पे रमजान में असा डेली ड्रिंक्स ठाईंदा तो इनकी काफ़ी सारी रेंज है हर तरह के फ्लेवर मार्केट में दस्तियाब ठाई सूता तेरे सामू ये भी ठाबो एक जग अगर ठाए पे पूरी फैमिली लाए तो उनमें 11 खाने जो चमचा विझो खंड बिल्कुल न विझबी है इनमें बिल्कुल ज़बरदस्त इनको फ्लेवर इंदो थो बर्फ वाले पानी में थदे पानी में इनके विझी सर्व कर ठायो आई हुन जे ला ग्लास अगर एक ठायो पे एक मानू लाए तो ब खाने जा चमचा एक ग्लास में डिसॉल्व करी थदे पानी में ता पी सको ता मजेदार ड्रिंक्स आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं शारजा कुकिंग ऑयल के साथ विटामिन ए यू डी से भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है लो कोलेस्ट्रॉल की है ओमेगा 3 मौजूद है मज़ेदार खाने इसमें बना रहे हैं गर्मियों के हिसाब से काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं वो शेयर कर रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से रमज़ान की बहुत सारी वैरायटी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे और आज मैं बना रहा हूँ आलू दम आलू की बिरयानी मज़ेदार ये बिरयानी बनेगी उसी तरह फ्लेवर लगेगा आपको जैसे हम सिंधी बिरयानी खाते हैं या मसाले वाली बिरयानी खाते हैं सेम वही फ्लेवर इसका आएगा उसके साथ मैं बना रहा हूँ आलू की खीर बच्चों के लिए खासकर ये बहुत ही मुफीद है और वैसे भी आप बनाएं मज़ेदार ये बनती है आलू की खीर और ये रेसिपीज कल 12 बजे रिपीट है कल 11 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ से मेरा पेज में रेसिपी अपलोड हो जाती है टैंक हमारे साथ है टैंक की बहुत सारी रेंज है मार्केट में नए फ्लेवर आए हुए हैं जिसमें लेमन पेपर है ठीक है ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर है लेमन जैसे हम चिकनवीन वगैरह पीते हैं इस तरह ये बड़ा ज़बरदस्त इसका आया है लेमन पेपर का ऑरेंज है एप्पल है पाइन एप्पल है मौसम्बी है बहुत अच्छे इसके फ्लेवर हैं आप ये बनाएं बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए और इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊँगा अब आपके सामने बनाऊँगा किचन में चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं चावरन जी रेसिपी जेका है वो किए ठंडी अध किलो के हिसाब से मैं ठाया पे हमेशा अध किलो के हिसाब से ही ठाई नॉर्मल घर में 3-4 मानू 5 मानू ताई अध किलो बिरयानी ठंडी है अगर वधिक ठाईंदा तो जो हमेशा चाहिए मसाला डबल कर वठंदा क्यों हिते चावर जेके हैं वो बॉयल कयल हैं बासमती सुठा बिरयानी वाला चावर उनके 15-10 मिनट पहले पिसाए रखो पानी गर्म कजो 3-4 जग उनमें गर्म मसालो विझो साबित जैमें एक चाय जो चमचो अच्छो जीरो एक वो फोटो ब नंढा फोटा 4 अदद लौंग एक चाय के चमचे का घट अद चाय के चमचे जी साबित कारी मिर्च अच्छो जीरो एक चाय जो चमचो ए लूण डेढ़ खाने जो चमचो विझी पानी के बॉयल कजो पानी बॉयल थो तो उनमें तहां विझंदो चावर चावरन के 7-8 मिनट तक सिर्फ चावरन के बॉयल कंदो एक कड़ी बॉयल करो वधिक हलवे वांगर बॉयल न करो कड़ी छानी में छजो जो पानी निकली वाले ठीक है पटाटा 4 वड़ा या 6 नंढा पटाटा दरमियाने साइज उनके विच में ब करे या 4 पीस करे उनके बॉयल करे कटी वट जो पटाटा फुल बॉयल है ठीक है आलू फुल बॉयल है दम आलू की बिरयानी बनेगी आलू यहाँ पे फुल बॉयल है 4 अदद आलू ले लें 6 ले लें स्किन के साथ अच्छी लगती है बिरयानी में आप विदाउट स्किन भी बना सकती हैं इसको आपने कटिंग करके क्यूब्स में जिस तरह हम गोश्त के लिए आलू गोश्त के लिए या बिरयानी के लिए आलू काटते हैं उस तरह कटिंग करके इसको बॉयल करके आपने रख लेना है चावल यहाँ पे बासमती चावल अच्छे वाले ले लें आधा किलो चावल लें 10-12 मिनट भिगो दें पानी बॉयल करें साबित गरम मसाला डाल के 1 तेज़पत्ता 10-12 साबित काली मिर्च 4 अदद लौंग और 1 बड़ी इलायची 2 छोटी इलायची 1 दालचीनी के स्टिक आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दें और नमक 1.5 खाने का चम्मच डाल के पानी बॉयल करें बॉयल होगा तो उसमें 12-15 मिनट भीगे हुए चावल इसमें डाल देंगे एक कनी बॉयल करना है 6-7 मिनट बॉयल करके उसको निकाल दें स्ट्रेनर में डाल दें और ब्राउन प्याज किया हुआ है 4 बड़े ब्राउन प्याज करके निकाल लें और उसी ऑयल को हम फिर आप खाने में यूज़ करें ठीक है यहाँ पे हम आते हैं
दम आलू के लिए हमने क्या करना है, आलू को पहले जर्दे का रंग लगाना है, ठीक है। बॉयल है आलू, इसको जर्दे का रंग लगा दें, कितना, थोड़ा सा, हाफ टी स्पून, ठीक है, आधे चाय जो चमचों इनके जर्दे जो रंग लगाए जो इनके मिक्स कंधा से मिक्स करें, ट्रे बखर ट्रे टेबल स्पून खड़ा दो ऑयल, शारजा कुकिंग ऑयल 2-3 टेबल स्पून गर्म करूँगा और उसमें हल्का सा इसको फ्राई करके निकाल लेना है, ठीक है। फिर इसका हमने किस तरह इसको बनाना है, पहले क्योंकि आलू पे कलर देना है मैंने, इसलिए इसको लगा रहा हूँ जर्दे का रंग, क्योंकि आलू की बिरयानी तो इसमें लुक बहुत अच्छा आएगा। उसी कढ़ाई में या पतीले में पहले जर्दे का रंग डाला, यहाँ पे 2-3 टेबल स्पून डालेंगे शारजा कुकिंग ऑयल, ठीक है। जस्ट 2-3 टेबल स्पून शारजा कुकिंग ऑयल डाल के आलू को यहाँ पे हल्का सा फ्राई करना है, इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी फ्राई करके और ये कलर जो इसको दिया हुआ है ये इसके ऊपर बिल्कुल बैठ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने इसको 2 मिनट फ्राई करना है। उसी दौरान हमने क्या करना है, जब तक ये फ्राई होता है एक बॉल में लेंगे दही 1 पाव, 1 कप दही खणंदासीं, 1/2 किलो पटाटा हुआ 4-6 पीस का जो वा पटाटा 6 नंढा इन 4 पीस करे बॉयल का जो बॉयल करे कढ़ी जो थदो करे उनके जर्दे जो रंग अधु चाय जो चमचो लगाने का पोए ऑयल 2 खंड जो चमचा फ्राइंग पैन में या कढ़ाई में विझी उनमें वो पटाटा विझी थोड़ो इन पटाटन के फ्राई कंदासी हिते जेस ताई 1 पाव दही आए बगैर मलाई जे, ठीक है। 1 पाव दही आए बगैर मलाई जे, बगैर मलाई के दही ले ली 1 पाव, इसको अच्छा सा बीट करें। सारे मसाले दही में मिला के हमने बिरयानी के लिए बनाना है, जिस तरह बिरयानी का मसाला बनता है। दही बीट किया 1 पाव, ठीक है, 1 पाव दही फेटी वरती और हाँ इनमें विझासी पीठल गाढ़ा मिर्च इतने विझबा 1 चाय जो चमचो, हेड पीठल विझबी 1 चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, पीठल धाणा 2 चाय जो चमचा, पिसा हुआ धनिया 2 चाय के चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इसके बाद डालूँगा इसमें नमक 1 चाय का चम्मच, क्योंकि 1.5 टेबल स्पून हमने ऑलरेडी चावल में डाल चुके हैं बॉयल राइस में, ठीक है। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर चला गया। हाँ इनमें विझंदासीं गर्म मसालो पाउडर 1/2 चाय जो चमचो भरी विझंदासीं, अछो जीरो कुटियल आए पाउडर फॉर्म में 1 चाय जो चमचो, साबित धाणा कुटियल आहिन 1 चाय जो चमचो, ठीक है। अदरक थूम जो पेस्ट इनमें विंदो 2 खंड जा चमचा, आए हिते आए जायफल जावित्री जो पाउडर, जायफल जावित्री जो पाउडर आई उनमें 4 नंढा फोटा आई 2 लौंग मिलाए पीसे वठ जो यो भी पाउडर फॉर्म में करें हिंजे अंदर विझंदासीं, ठीक है। पीठल गाढ़ा में 1 चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा में 1 चाय जो चमचो, हेड 1 चाय जो चमचो, पीठल धाणा 2 चाय जा चमचा, लूण 1 चाय जो चमचो आई उन सा गड गरम मसालो पाउडर 1/2 चाय जो चमचो आए उनके बाद अछो जीरो कुटियल 1 चाय जो चमचो, साबित धाणा कुटियल 1 चाय जो चमचो, ठीक है। उनसा गड जायफल जावित्री जो पाउडर आए आई उन सा गड लौंग 3 अदद आई नंढा फोटा 3-4 अदद कुटे इनके अंदर विझी छड़िया है। अदरक थूम जो पेस्ट मुँह विधो इनमें 2 खंड जा चमचा, ये सब जो पेस्ट तैयार थी वो इन पेस्ट के तैयार करे इतने रखी छंदासी। अब क्या करेंगे, ये आलू हो गए हमारे फ्राई, जिस कढ़ाई में हमने बिरयानी बनानी है उसको करते हैं गरम। अच्छा प्याज यहाँ पे ब्राउन हुआ हुआ है, 4 अदद प्याज लिया था, ठीक है, 4 अदद प्याज लिया था, इसको मैंने ब्राउन किया था, ब्राउन करके निकाल लिया था। इसमें से हाफ क्वांटिटी में प्याज हम दही में मिला देंगे और थोड़ा 1 कप से थोड़ा कम हम बचा के रखेंगे ऊपर टॉपिंग के लिए जब दम पे जाएगा, ठीक है। अद्ध बसर हिंजे अंदर मिलाए छो दही में, फिर बिरयानी ज़रूर ट्राई करो वेजिटेरियन फैमिलीज ला तमाम बेहतरीन, या दम आलू बिरयानी, ठीक है। प्याज इसमें मिला दिया मैंने दही में, अब क्या करूँगा, इसमें से भी ऑयल लेते हैं जिसमें से आलू हमारे फ्राई हुए में, थोड़ा ऑयल इसका ले लेते हैं जो बचा हुआ है 2 टेबल स्पून और बाकी ऑयल आपने यहाँ से लेना है, 1/2 कप टोटल ऑयल होना चाहिए, ठीक है। 1/2 कप टोटल ऑयल थी वो 8 खंड जा चमचा ऑयल थी वो, ठीक है। 1/2 कप मींस के 8 टेबल स्पून जितना ऑयल आ गया, 2 टेबल स्पून मैंने उसमें से भी लिया। अभी जो दही का मिक्सचर है इसको अच्छी तरह मिक्स करें, ठीक है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि दही बहुत गाढ़ी है, थोड़ा सा 4 टेबल स्पून पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद ये पूरा मिक्सचर ऑयल गरम करके ऑयल में डाल देंगे, सब जो मिक्सचर पानी सा गड ऑयल गरम करो इनमें लाई छो, ठीक है।
ایزی ہے بریانی، تمام مزیدار دم آلو بریانی، یہ پورا اس میں اتار دیں اور اس کو 2 سے 3 منٹ آپ نے بھوننا ہے آئل میں تاکہ دہی کا کچا پن ختم ہو جائے، دہی کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا، مسالہ بھوننائی پہ آ جائے گا، اس کے بعد یہ جو آلو فرائی کیے ہوئے یہ اس کے اندر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں ان مسالے کے بھونجن داسی جی، فرزانہ شاکر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک۔ آپ آئی اور چلی گئی چینل پہ؟ ہاں میں تو ایسے آتی ہوں بھائی ہوا کی طرح۔ اور آپ گفٹ چھوڑ کے گئی ہیں، ابھی مجھے پتا چلا، میں کب پروگرام کے بعد کال کروں گا آپ کو، آتے بزی ہو گیا تھا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ دل کر رہا تھا، میں نے کہا چلو میں مل کر آؤں، بہت دن ہو گئے تھے۔ تھینک یو ویری مچ، پوری ٹیم سے میری جتنی سے ملاقات ہوئی۔ ہاں آپ آئیں، مجھے بتایا، ماسی نے بھی بتایا کہ آپ بیٹھی تھی کافی دیر، ویٹ کیا تھا آپ نے نا۔ ہاں چلے کوئی بات نہیں، چلے شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ روزہ نہیں آپ کا؟ میرا نہیں روزہ، لیکن یہ کہ عبادت کی تھی رات کو فجر تک، لیکن روزہ نہیں رکھ پایا۔ اچھا چلے اچھی بات ہے، ابھی بناؤں گی میں پہ۔ کیا بنا رہی ہیں افطاری؟ اچھا وہ جو کیمے والی اسٹف والی بنائی تھی، پوٹیٹو اسٹف، جی جی ہاں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ آئیں یہاں پہ، تھینک یو، وعلیکم السلام، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اچھا یہاں پہ دہی کا پانی ابھی ڈرائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے دہی کا پانی ڈرائی کرنا ہے، کور نہیں کرنا ہے، کیونکہ دہی میں جو ہم نے مسالے ملائے تھے وہ اس میں اب پکنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسالے کا کچا پن ختم کرنا ہے، اس کو ہلکا سا آئل اوپر آنے لگے گا، ببلس بن رہے ہیں، پھر یہ آلو اس میں ڈالیں گے، آلو ڈالنے کے بعد اس میں مسالہ جائے گا۔ مسالہ اس میں کیا کیا جائے گا؟ ادرک ہے 2 ٹیبل اسپون جتنا فائن چاپ کیا ہوا، 6 عدد ہری مرچیں، 1 عدد لیمن کے سلائسز ہیں، اور 10 سے 12-15 عدد پودینے کے پتے، پودینے جا پتہ 10 کا 12 عدد، لیمو ایکڑو کھنڈ جا سلائس کے چھجو، 6 کا 8 عدد باریک ساوا مرچ ویندا، آئیں ادرک باریک کٹنگ تھیلا یا ویندی، آئیں ہتے ہے جیئن جو پانی خشک تھندو، ٹھیک ہے؟ بسرن سا گڈ دہی جو تمام سوچی چٹپٹی بریانی ٹھاندی، پٹاٹن جی بریانی، آئیں ہانے ہن میں یہ پٹاٹن میں وچھنداسی، یہ آلو جو میں نے فرائی کیے تھے زردے کا رنگ لگا کے، یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیے، چولہا میں بند کر دوں گا، بریک کے بعد آ کے یہ پروسیس آپ کو بتاؤں گا، تاکہ اگر میں نے بریک میں یہ چیز بنا لی تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ شارٹ بریک بٹوں تو بریک کا پوچھی ریسیپی کنٹینیو کرنا سے۔ جلدی آئیں، جلدی آئیں، ٹھیک ہے؟ Sun TV Network Mobile App. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app now. دل چاہے اور کیا، شارجہ، شارجہ بناسپتی گھی، شارجہ کوکنگ آئل، وائٹامن اے این ڈی کا بھرپور لو کولیسٹرول آئل ہے، ان میں مزیدار جکا اساں ٹائم پہ اج بریانی آئے ہتے، بالکل چاور گرم آئیں، بوائل تھے لین ہتے تاری سگو تن جو پانی ڈرائی تھی ہوا ہے کور میں جو آئیں، بالکل زبردست ان جو ٹیکسچر اچھی ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اس کا ٹیکسچر دیکھیں، پیاز اس کا جو دہی میں تھا وہ بالکل ڈفرینٹ سا اس کا لک آ گیا ہے، آلو کا اپنا کلر ڈفرینٹ آ رہا ہے، ریڈش سی ٹون آ رہی، اب چولہا ہلکا کر کے اب کیا کریں گے، اس میں ہم کیا ڈالیں گے، اس میں ہم ڈالیں گے پودینہ، پودینہ کے پتے، لیمن کے سلائسیز، اس کے بعد ہری مرچیں، اس کے بعد ادرک، ٹھیک ہے؟ لیمو، لیمے جا کتلا، پودنو، پودنے جا پتا بھی چھجو 8-10-12، ان کا پو ساوا مرچ باریک وارا، ان سا گھر ادرک بھی چھڑیا، ٹھیک ہے؟ ان کے بعد چھا بھی جانا سی متھا جے کے چاور اسا بوائل کرے کڈیا ہوا وہ متھا ہلیا ویندا جے پھیلائے چھجو، لیکن چاور ودی گریل نہ ہوجن، تھوڑی کسر ہو جائے، تھوڑا کچا رکھ جو، ٹھیک ہے؟ 70% بوائل ہونا چاہیے ایک کنی جیسے ہوتا ہے، اور 30% بوائل نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سخت ہونا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا، حلوہ بن جائے گا۔ چاول ڈال کے آپ نے اس کے اوپر پھیلا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم کیا ڈالیں گے، براؤن پیاز جو بچا کے رکھا تھا، براؤن بصر،
मथा खां विझंदासीं जो बचाए रखियो हो, इहो विझी छॾिजो। हीउ पूरो ब्राउन प्याज डालने के बाद सभु फैला दें प्याज को, ताकि इसका फ्लेवर आएगा। गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून से कम, लास्ट में खुशबू के लिए। गरम मसालो पाउडर अधु चाय चमचे का घटि, मथा खां हीअं विझी छॾिजो। हिन खां पोइ गिदामड़ी आहे मूं वटि, इमली है या आलू बुखारा ले लें। इमली को आपने जैसे हम भिगोते हैं, भिगोएं ना बस इस तरह पीसीस करके इसके ऊपर रख दें। इसकी अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा, खटास सी आएगी इसके अंदर, बड़ा ज़बरदस्त चटपटापन आएगा। इमली के पीसेस, केवड़ा एसेंस है मेरे पास, सॉरी बिरयानी एसेंस है, ठीक है। आप केवड़ा वाटर डाल दें, केवड़ा एसेंस डाल दें, मेरे पास बिरयानी एसेंस है तो ये मैं इसमें डालूँगा। हाफ टी स्पून बिरयानी एसेंस, ठीक है, हाफ टी स्पून चला गया बिरयानी एसेंस। केवड़ा वाटर है वो 1 टीस्पून डाल दें, अरके गुलाब है तो 1 टेबलस्पून डाल दें, ठीक है। बिरयानी एसेंस न मिले, अरके गुलाब विझी छॾिजो हिकु खाइण जो चमचो, अरके गुलाब न आहे त केवड़ा वाटर जेको चाहींदो आहे उहो ई छॾो। उहो विझण खां पोइ हिन खे ॾींदासीं ढकु ऐं हिन खे दम ते रखंदासीं। ढकु ॾेई 15 मिंट हिन खे मीडियम फ्लेम ते दम ते रखी छॾंदासीं। रुखसाना ज़ैदी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और आज जैसे अभी आप बना रहे आलू का जो आपने सब्जी में मसाले डाले जी, इसका अच्छा लग रहा था। मसाले वगैरह जो आपने आलू में शामिल किए ऐसा लग रहा था कि ऐसी रोटी से खा सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि इसका कलर बहुत अच्छा आया जी। और जैसे फिर अभी आपने इसके एक और तरकीब बताई की भाई अगर आलू बुखारा ना हो तो इमली के इस तरह डाल के जो ही बहुत अच्छा पड़ता है जी। बिल्कुल, और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इससे भी खटास सी आ जाती है जैसे आलू बुखारे की आती है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह। वैसे ही कि ये मैंने अभी तक आजमाया नहीं है, लेकिन अब आजमाएंगे। आजमाइएगा, मैंने भी आजमाया ये बहुत दफा घर में भी। आलू बुखारा अगर नहीं है तो आप ये डालें, बिल्कुल सेम वैसे ही आप खाएंगी ना, वो जब गीलापन आता है आलू बुखारे में जब हम बिरयानी से निकाल के खा रहे होते हैं, वैसे ही टेक्सचर वैसे ही इसका फ्लेवर आता है आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब हम आएंगे आलू की खीर। आलू की खीर के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 लीटर दूध या 3 पाव ले लें, ठीक है। वो बॉयल होने दें, बॉयल कर लें, टेट्रा पैक यूज़ कर रहा हूँ तो इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं, मैं गर्म कर रहा हूँ। आलू कद्दूकश किया हुआ है, पानी में डिप करने का मकसद ये है कि इस काला ना पड़े, ठीक है, इसका कलर चेंज ना हो। 2 अदद आलू बड़े ले लें और इसको आपने पानी में डिप करके रख देना, अगर फ़ौरन डालने तो फ़ौरन वो कर लें। मैं इसको अच्छी तरह नचोड़ के डालूँगा इसके अंदर, क्योंकि आलू बॉयल हो जाएगा, गाढ़ापन इसका आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये डाल दें, ये ज़्यादा है आलू तो मैं 2 कप डालूंगा इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये खुद ही पक पक के गाढ़ा हो जाएगा, 20 से 25 मिनट में हो जाती है। छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, 6 मंथ प्लस 8 मंथ प्लस जैसे बच्चे होते हैं उनको इस तरह के आलू कश करके उसकी खीर बना के दें। थोड़े से 1 पाव दूध में बनाएं, वो गाढ़ी होके जब दूध गाढ़ा हो जाता है कम हो जाता है, ठीक है, या बॉयल दूध में भी डाल के दे सकते हैं। राइस चावल उसका पाउडर बना के रख दें, मूंग की दाल का पाउडर बना के रख दें घर में 1 कप, क्योंकि मेरे भी घर में बेटी है मेरी माशाल्लाह से 9 महीने की, तो हम भी बना के देते हैं उसे। 1 कप दूध ले लें, उसको बॉयल करें, उसमें 1 चाय का चम्मच चावल का आटा या थोड़ा से ज़्यादा, और आधा चाय का चम्मच मूंग की दाल का आटा डिज़ोल्व करके ठंडे दूध में थोड़े से उसके अंदर डाल दें। मिश्री डाल दें या चीनी डाल दें या शहद डाल दें हंसवे ज़रूर, ठीक है। उसको हल्की आंच पे पकाते रहें, वो गाढ़ी सी खीर बन जाएगी, ठंडी करके बच्चों को खिलाएं। आलू थोड़ा ले लें, कश कर लें, या बॉयल छोटा करके, छोटा आलू बेबी पोटैटो जो ऐसा होता है उसको मैश करके छिलका हटा के वो आप खीर बना दें, उसकी चीनी या मिश्री डाल दें या शहद के साथ बच्चों को ये दें, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए ग्रोइंग एज में, ख़ासकर 8 माह से ऊपर जो हम गज़ा देते हैं तो उसमें ये आलू की खीर भी, इसलिए ये तो खैर हम भी खा सकते हैं, बच्चे जो नहीं खाते खाना उनको इस तरह की खीर बना के दें तो बहुत ज़बरदस्त बनती है, ठीक है। ये खीरणी जो ठाए पे 12 जिला है, नंढे 12 जिला अक्सर अदियूं कॉल कंदियूं आहिनि खाइण जे लाइ, त तव्हां छा कंदा कयो, चांवरनि जो अटो घर में हूंदो आहे, मुङनि जी दाल खे पीसे ग्राइंडर में रखी छॾो, ठीकु आहे, पीली वारी जेका हूंदी आहे, हुनखे 1 कप खीर में बॉयल करे ऐं थोरे
एक चाय जो चमचो चावरन जो अटो अध चाय जी चमचे का घट मुंगन जो अटो मुंगन जी दाल जो अटो उनके थदे पानी में थोड़ो घोले उनमें भी छो माखी विझी छो गड या मिसरी थोड़ी डली विझी छो कुटे या थोड़ी खंड विझी मिठी खीरणी ठाई दींदा कयो नंढा फोटा एक बार जरूर तोड़े विझंदा कयो हाजमे जे लाइ ॾाढी ज़बर सां उनखां ॿारनि जी सिहत सुठी थिए थी तंदुरुस्त थियनि था वेट बि वधे थो ऐं हिन तरीक़े जी खीरणी ॿारनि खे ठाहे ॾियो पंहिंजे लाइ ठाहियो तमामु सुठी खीरणी आहे आलू जी खीरणी त इहा बि तव्हांजे लाइ तमामु सुठी आहे ठीकु आहे यहां पे चावल हमारे दम पे 20 से 25 मिनट में तयारु हुजे क्योंकि चावल बॉयल है कोरमा तयारु हुआ आलू हमारा बॉयल उसमें डला हुआ है तो उसका टेंशन नहीं होगा वो जल्दी तयारु हुजेगी इसको इतना पकाना है हल्की आंच पे कि बिल्कुल गाढ़ापन आ जाएगा आलू खुद ही गाढ़े हो जाएंगे फिर इसमें मैं कलाकंद डाल रहा हूँ फीका खोया है तो हाफ कप फीका खोया डाल दें कलाकंद फीकी होती है ये मिलती है मार्केट में मिठाई वाले से दो पीस उठा लें ये डाल दें अगर कलाकंद डाल रहे हैं तो फिर मीठा कम डालें वरना मैं इसमें एक कप से थोड़ा कम 8 टेबल स्पून से 10 टेबल स्पून मीठा डालूंगा चीनी कलाकंद डाल रहा हूँ तो चीनी मैं 6 टेबल स्पून कर दूंगा नहीं है कलाकंद फीका खोया तो फिर आप इसमें चीनी 10 टेबल स्पून तक डालेंगी ठीक है खंड माइन में विझंदम घणी छाकाणि त मूं वटि कलाकंद आहे थोरी मिठी हूंदी आहे थोरी फिकी हूंदी आहे जो ज़ाइको वधीक मिठो नथो हुजे मिठाई में मिली थी वञे इहो बि माओ हूंदो आहे लेकिन इहो मां विझां पियो 2 पीस आहिनि त अधु पाका बि घटि आहे त हिन सां गॾु 6 खणण जा चमचा खंडु विझां पियो अगरि फिको माओ विझो पिया त पोइ हुन में खंडु 10 खणण जा चमचा विझिजो ठीकु आहे इलायची का पाउडर जाएगा इसमें 1 चांचा चीनी इसमें जाएगी 6 टेबल स्पून क्योंकि कलाकंद डाल रहा हूँ ठीक है बाकी मीठा बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसको हल्की आंच पे इसको पकाते रहेंगे ठीक है टैंग है हमारे साथ 5 नए फ्लेवर में मार्केट में दस्तियाब है बहुत अच्छे इसके ड्रिंक्स हैं एप्पल फ्लेवर है और इसके साथ इसमें लेमन मिंट अभी लेमन पेपर नया आया है पाइन एप्पल है ऑरेंज है और उसके अलावा मैंगो फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त इसके ड्रिंक्स बनती हैं मौसम्बी अभी नया इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है मौसम्बी मैंने कल बनाई थी दो एक ग्लास अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो उसमें 2 टेबल स्पून भर के पाउडर डालेंगे इसका और अगर पूरा फैमिली के लिए आप बना रहे हैं तो आपने क्या करना है इसमें एक जग ठंडे पानी में आपने 11 टेबल स्पून डाल के डिसॉल्व करना है बहुत अच्छी तरह और बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जेटिक ड्रिंक है रमज़ान आ रहे हैं उसमें आप ये बहुत सारे इसके फ्लेवर आ गए लेके रखें इंजॉय करें वैसे भी गर्मी है आप लंच में डिनर में इसको रखें जग ज़रूर रखा करें बच्चों को दें ड्रिंक गर्मी बाहर से आप आते हैं कोई गेस्ट आ रहे हैं आपके घर में तो ये ड्रिंक आप पिलाएं बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और इतने अच्छी रेंज में हैं और इजीली आप लोग ख़रीद सकते हैं अफोर्डेबल प्राइजेज हैं आप आराम से लें और सारे फ्लेवर यूज़ करें बच्चों को दें ज़रूर ठीक है बाहर के हम जूसेस वगैरह फजूल चीज़ें लेते हैं उससे बेहतर है अच्छे ब्रांड की चीज़ें यूज़ किया करें अच्छा ये पटाटा जो इन के अंदर पचंदा काफ़ी टाइम लगो जैसे एक दफ़ा तक लगो गरी वा तो तमाम सुठी में चावर ना विझा कुछ भी अड़ी शे ना विझी पा ही घाटो थी वो ठीक बिरयानी की रेसिपी रिपीट कराएं पो बिरयानी की रेसिपी ला असांखे छा खपे अधु किलो चांवर सुठा वारा जो बिरयानी ला खणंदा आहियूं उनखे पाणी बॉयल कजो हुनमें तेज़ पत्तो हिकु अछो ज़ीरो अधु चांहि जो चमचो वॾो फोटो हिकु नंढा फोटा 2 लौंग 4 अदद साबित कारा मिर्च 10 खां 12 अदद विझंदो ऐं हिनखे पाणी खे बॉयल कजो हिकु दालचीनी डंडी बि विझी छॾिजो लूणु 1.5 खाइण जो चमचो विझंदो पाणी बॉयल थींदो पोइ चांवर विझी 6 खां 7 मिंट बॉयल करे छाणी में कढी वठिजो हुन खां पोइ आलू बॉयल कजो 4 खां 6 आलू खणिजो उन जा 4 पीस कजो उनके बॉयल कजो बॉयल करण खां पोइ पाणी कढी हुन में ज़र्दे जो रंग अधु चांहि जो चमचो पटाटनि खे मिलाए ऐं हुनखे पोइ 2 खाइण जे चमचे ऑयल सां गॾु हुनखे फ्राई करे साइड में रखिजो वरी 1/2 कप ऑयल गरम कजो हुन में बसर पहिरीं ॻाढ़ो करे कढी वठिजो ठीकु आहे 2 खां 3 गंढ वॾियूं ॻाढ़ो करे कढी वठिजो हुन ऑयल में अगरि उहो ऑयल बसर में घटि थी वञे त थोरो वधाए छॾिजो पोइ बि ऑयल तव्हांजो 1/2 कप हुजणु खपे हुन में तव्हां छा विझंदो ॾही खणिजो 1 पाउ ठीकु आहे हुनखे फेटे छॾिजो अदरक थूम जो पेस्ट 2 खाइण जा चमचा वेंदा गरम मसालो पाउडर 1/2 चांहि जो चमचो जायफल जावेती जो पाउडर 1/2 चांहि जो चमचो ऐं सां गॾु पीठल ॻाढ़ा मिर्च कुटियल ॻाढ़ा मिर्च हैड 1/1 चांहि जो चमचो लूणु 1 चांहि जो चमचो पीठल धाणा 2 चांहि जा चमचा अछो ज़ीरो कुटियल 1 चांहि जो चमचो साबित धाणा कुटियल 1 चांहि जो चमचो ऐं जायफल जावेती जो पाउडर इहे सभु मिलाईंदो चङी तरह ॾही में ऐं पोइ छा कंदो ऑयल में ॾही विझी सॉरी बसर जेको आहे ब्राउन थियल आहे मां थोरो बचाए छॾियो बसर ॾही जे अंदरि मिलाए ऑयल में विझिजो थोरो 2-3 मिंट पचाइजो ॾही जो पाणी खुश्क थियणु लॻे जेका पटाटा सां बॉयल तरे रखिया हुआ उहो हुनजे अंदरि विझिजो 2 मिंट हुनखे पचाइजो हुन खां पोइ चुल्हो हल्को करी मथां सावा पुदिने जा पता 8 खां 10 12 हुन सां गॾु सावा मिर्च 6 खां 8 अदद लीमो 1 खणी जा स्लाइसिस विझी छॾिजो ऐं अदरक जा पारचा करे 1 खणी जो चमचो मथां फैलाए छॾिजो पोइ चांवर विझी छॾिजो चांवरनि खे फैलाए मथां ब्राउन बसर थोरो जेको बचाए रखियो उहो विझी छॾिजो गरम मसालो पाउडर 1/2 चांहि जो चमचो वेंदो ऐं हुनजे मथां
गिदामड़ी जा पीसिस भी छो या आलू बुखारा इन चार पंज रखी या इनके दम ते रखी छो तकरीबन 25 मिंट में ताजी दम आलू बिरयानी तैयार थी। इनके चंगी तरह पचन दीजो। दम आलू बिरयानी की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। दम आलू के लिए हमने क्या लेना है, आलू को आपने पहले बॉयल कर लेना है, 4 से 6 आलू चार चार पीस करके आपने बॉयल करना है। बॉयल करके स्ट्रेनर में डाल दें, फिर उसके बाद जर्दे का रंग उसको लगा लें, आधा चाय का चम्मच कलर चेंज हो जाएगा पोटैटो का। उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म करके पोटैटो जो है वो ब्राउन करके लाइट से शेड दे के उसको निकाल लेना है। फिर आपने एक पतीले में पहले ब्राउन प्याज करके निकाल लें, 3 अदद 4 अदद प्याज ब्राउन करके निकाल लें, साइड में रख दें। फिर उसमें से 1/2 कप ऑयल में आपने क्या करना है, पहले दही एक बॉल ले लें, उसको बीट करें दही को, उसमें पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1-1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, 2 इलायचियाँ और 2 लौंग कूट के भी डाल दें। उसके बाद आपने सफ़ेद जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, साबित धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने का चम्मच डाल के सब चीज़ें मिक्स करनी। फिर ब्राउन प्याज उसमें मिक्स करना है, ऑयल गर्म करके ब्राउन प्याज आपने दही के साथ उसमें ब्राउन प्याज डाल के ऑयल में आपने इसको पकाना है 4-5 मिनट, जब दही का पानी ड्राई हो जाएगा आलू डाल दें, आलू मिक्स करें, फिर ऊपर से हल्का चूल्हा करके सारे राइस जो बॉयल थे वो डाल दें फैला के। उसके ऊपर आपने राइस डालने से पहले आपने 1 लेमन के स्लाइसेस डाल दें, पुदीना 6 से 8-10 पत्ते डाल दें, हरी मिर्ची 10-12 या 6 जितनी अच्छी लगे बारीक डाल दें, अदरक बारीक जुलियन कटिंग की भी 2 टेबलस्पून फैला के डालें, फिर राइस डालें, फिर इसके गरम मसाला 1/2 टीस्पून पर फैला के डालें, राइस पे ब्राउन प्याज जो था उसका 1/2 बचा के रखें वो ऊपर से डाल दें, केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर या अर्के गुलाब डाल के उसको दम पे लगा दें 20 से 25 मिनट। ब्रेक का टाइम हो रहा है, जब तक खीर हमारी तैयार हो रही है काटिना जो कि शॉर्ट ब्रेक पर, ब्रेक का पूछे रेसिपी कंटिन्यू करने से। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठही पए खीरणी ठाही आहे ऐं हुन सां गॾु मां पुलाव ठाहियो आहे पटाटनि जो पुलाव। हे दम ते आहे खीरणी, हिते दम ते आहे, ठीकु है, इहे दम पे है और इसमें हमने क्या करना है, कलाकंद मसल के डाल देना है, ठीक है, कलाकंद मसल के अच्छी तरह इस तरह डाल दें, लास्ट में कलाकंद नहीं है तो खोया डाल दें, लेकिन कलाकंद जब डालेंगे तो 6 टेबल स्पून आपने डालना है इसमें चीनी, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालनी, और अगर खोया डाल रहे हैं 1/2 कप जितना आधा पाव तो फिर आपने इसमें क्या करना है चीनी, फिर आप 8-10 टेबल स्पून डालेंगे, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। खंड जड़े घट विज भी, अगर कलाकंद विझो पे तो खंड घट विझो, अगर फिको माओ विझो पे तो खंड तां भली 8-10 टेबल स्पून विझो, इनके चंगी तरह इनमें मिक्स कंदासीं, इसको अच्छी तरह इस तरह स्पून चलाते रहें ताकि कलाकंद इसमें मिक्स हो जाए, और इसको 5 मिनट मजीद पकाएंगे, बिल्कुल गाढ़ी खीर बन गई है, इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी गाढ़ी है, ठीक है, ही खीरणी घाटी थी भैया इन तरीके जी, अई जडे इनमें कलाकंद विझण का पोए दिसो इतनी घाटी है, पटाटा सफाई जंदा गरी वे आइन। कॉल वठो तो अस्सलाम वालेकुम। ओके, इसको 5 मिनट दम पे छोड़ देते हैं, ढक्कन में नहीं लगा रहा, कलाकंद डाल दिए, यहाँ पे बिरयानी हमारी हो गई तैयार, बिरयानी दम आलू बिरयानी, ढक्कन हटा के ऊपर ही रखा करें, इसका पानी इसी में गिर जाए जो कवर के ऊपर पानी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको फौरन मिक्स नहीं करना है, 2 मिनट इसको छोड़ा करें बिरयानी को ताकि स्टीम निकल जाए, फिर आप मिक्स करें तो चावल अच्छा रहता है, जब स्टीम नहीं होती है, स्टीम होती है तो चावल क्या होता है टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। खीर को 2 मिनट और पकाएंगे, बिल्कुल ये रेडी हो गई, फिर इस पर बादाम डाल के और इसको ठंडा करके आपने सर्व करना है। चावल को खोलते हैं 2 मिनट छोड़ के, जब तक मैं खीर डिश आउट करता हूँ, ठीक है। चावर छड़ी वरता हूँ ताकि खुली वने, थदो थी वने चावर थोड़ो, उनका बाद विझंदासीं जैसे मैं इनमें खीरणी विझा पाऊँ, ठीक है। खीर देखें बिल्कुल परफेक्ट बनी है, आलू की खीर इसी तरह आपने बनानी है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे चांदी का वर्क, चांदी का वर्क लगा दें, बादाम है चॉप करके बादाम इस पर डाल दें, और इसको ठंडा करके फिर आपने खाना है, बच्चों को भी दें ठंडी करके, ठीक है। मज़ेदार खीरणी आलू जी पटाटन जी खीरणी है, आलू की खीर, और अब इसके बाद बिरयानी खोलते हैं, इसको रख देता हूँ मैं टेबल पे, ये हो गई हमारी आलू की खीर,
और अब आते हैं बिरयानी पे। बिरयानी को 2 मिनट कवर खोलने के बाद इसको क्या करेंगे, चावल को अब खोलना शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि इसकी स्टीम निकल चुकी हो। फिर इसको हल्के हाथ से इस तरह मिक्स करें। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है बिरयानी का, आलू का अपना एक कलर आ रहा है। इस तरह आपने इसको निकालते जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करें, क्योंकि जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि बिल्कुल एक ही कलर का होगा, ठीक है, एक ही कलर का होगा, वरना इसमें हमेशा मिक्स शेड आना चाहिए। देखिए, ठीक है, इन तरीके से दम आलू बिरयानी मज़ेदार डबल शेड में निकालें। सारा एक साथ कभी भी मिक्स ना किया करें, इस तरह वाइट राइस भी इस पर आएँ और इस पर आलू का कलर भी आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप बीफ बिरयानी खा रहे हैं, बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा। मसाले वगैरह सब उस हिसाब से डले हुए, परफेक्ट बिरयानी है दम आलू बिरयानी। जी कॉल बटन था, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, अनम शाह हालन अलहमदुल्ला, बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, ठाई जो भी बिरयानी जी हाँ, मुझे ठीक है, इंशाल्लाह जरूर ठाईंदासी रमजान में, बस इंशाल्लाह हमें टाइम घटा है। दही बड़ा अनम मसालो वगैरह तो मैं पहिरी ठाईंदम, नहीं दही बड़ा मैं रमजान जे फर्स्ट डे या सेकंड डे ठाईंदम, छाकाण त रमजान में पो माण्हू बार बार फरमाइश कंदा आहिनि न, त ही छोला वग़ैरह बाक़ी हिननि जा जेके मसाला आहिनि मथां विझण वारा पापड़ी वग़ैरह इहे सभु मां हाणे नेक्स्ट वीक खां ठाहिणु शुरू कयां पियो, ठीकु आहे। हलो हलो ठीकु आहे, इहे शयूं मां तव्हांखे ॿुधाए वठंदमि सभु पहिरीं खां, ठीकु आहे न। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये हो गई हमारी बिरयानी दम आलू बिरयानी, अब हम बनाते हैं टैंग, ठीक है। टैंग के लिए हमें एक जग ठंडा पानी चाहिए, काउंटर क्लियर कर दूँ। एक जग हम लेंगे ठंडा पानी, आज मैं बना रहा हूँ एप्पल टैंग, ठीक है, एप्पल फ्लेवर में। ये पाउच, ठीक है, सो कटिंग करें। अच्छा कटिंग करने के बाद इसको कवर करके अच्छी तरह रखा करें, ठीक है, नमी नहीं होनी चाहिए इसमें, गीला चम्मच ना डालें, इस तरह बहुत एहतियात से आपने बनाना है, इसको रखना है, कवर करें चंगी तरह, पैक करे रखंदा क्यों, फ्रिज में रखो, बाहर रखो, तब कैबिनेट में रखो, लेकिन कवर करे रखंदा क्यों, ठीक है। हमें विझंदासीं 11 खाने जा चमचा लेमन टेबल स्पून एक जग के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, एप्पल फ्लेवर में है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। इसको आप डिज़ोल्व करें अच्छी तरह और ये अपनी फैमिली के लिए पूरा एक जग डिफरेंट फ्लेवर्स में भी आप बना के रख सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में भी हम जब ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं तो उसमें आप ज़्यादा पीते हैं, तो इस तरह के 2-3 फ्लेवर में भी आप बना के रख सकते हैं। कॉलर टू था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अदी कह रहे हैं कि था गला पे आप मां अंबर सी गया नया स्टार्ट कर था जी, कुछ चेंज चाहिए दो अदा कि ता जो डाटा दवा तहां जी टीवी जो वॉल्यूम वधल आए ता लाइन ड्रॉप थी वंदी छा चो पे टीवी बंद करी गलाए जो प्लीज दे दिया टीवी जो वॉल्यूम बंद करे मोहा गलाए, ठीक है। इस तरह पैक करके इसको पिन लगा दें, कुछ करके कवर करके रखा करें, कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं रखा करें, ठीक है, शॉपर में बांध के रखें। ओके देखें इसका कलर कितना खूबसूरत है, एप्पल फ्लेवर में है, एप्पल ड्रिंक है असांजी थी वही टैंग तैयार। इन सब गड दम आलू बिरयानी, आलू जी खीरणी, ठीक है, कल 11 बजे रिपीट चलेगा, दम आलू बिरयानी, आलू की खीर और एप्पल टैंग, ज़बरदस्त फ्लेवर है, ज़रूर लीजिएगा। बिरयानी ये ज़रूर बनाइएगा, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा बीफ का फ्लेवर आ रहा है। अगर आपको इसमें ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देना है तो फिर आप क्या करें कि चिकन पाउडर मिलता है, 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर
दही में मिला लें, उससे बहुत अच्छा फिर आपको चिकन का फ्लेवर देगा, वरना ज़रूरत नहीं है, इसका अपना ही फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। रायते सलाद के साथ आप इसको खाएं, ठीक है। कल 11 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ़ मेरा पेज है, रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें कुकिंग विद फैसल यूट्यूब पे, आपको सारी प्रीवियस कल तक की वीडियोज़ मिल जाएंगी। सब्सक्राइब किया करें वीडियो को और लाइक किया करें तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इसके अलावा कल ये रिपीट चलेगा 11 बजे, कुकिंग विद शेफ़ मेरा पेज है, रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, या कुकिंग विद फैसल भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको मेरी वीडियोज़ मिल जाएंगी। उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो आपकी रेसिपीज़ होंगी वो खाने नहीं होंगे, उसमें हम सिर्फ रमज़ान की तैयारी करेंगे, जिसमें बहुत सारी चटनियाँ हैं, चाट मसाला है और दही बड़ा मसाला है, केचप बनाऊंगा, चिली गार्लिक सॉस बनाएंगे, मांदा पट्टी कैसे बनती है, समोसे कैसे बनते हैं, रोल्स कैसे बनते हैं, ये चीज़ें पहले करेंगे इंशाल्लाह। और फ्रोज़न चीज़ों पे आएंगे जो हम फ्रीज़ करके रख सकें, कबाब की काफ़ी सारी वैरायटी, पराठे फ्रोज़न किस तरह बनते हैं सब आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक रमज़ान तक ये सारी चीज़ें करेंगे, इफ्तारी की तैयारी करेंगे, सहरी की काफ़ी सारी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। फिर रमज़ान भी हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। रमज़ान की हमारी टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है, मैं हमें 2 से 3 या 2:30 से 3:30 या ऐसा कुछ होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। कॉल जी, कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक जी। अभी कह रहे हैं कितना गला पे आ अच्छा वहां पर जल्दी जाना है शिकारपुर। कितना मीरपुर खास खां शिकारपुर, शिकारपुर का कुछ चैनवा को फरमाइश करनिया अदा और सब कौन सा पछाने से खा रहे हो शाशी दी गोलगप्पा। अच्छा गोलगप्पा, ठीक है, मैं कोशिश करदम रमजान में ठाण से खा रंदम गोलगप्पा, ठीक है जी। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। सुभाने रिपीट आए 11 लगे कुकिंग विद शेफ़ समझो पेज और रेसिपी अपलोड थी वेंदी है। का भी शे समझ नथी अचे मुखे पेज से मैसेज करें, इनबॉक्स में पुछी सको था। इंशाल्लाह मथे हफ्ते में खाधा कोन ठाहींदासीं, रमज़ान जी काफ़ी सारी तैयारी कंदासीं, जेका जेका तव्हांजी रमज़ान जी फरमाइशूं, ख़ासकर समोसा रोल इन जे पट्टियूं कीअं ठहंदियूं, इहे सभु ठाहिण सघंदा, चटणियूं आहिनि, चाट मसालो ऐं जेको दही बड़न जो मसालो आहे, फ्रोज़न पराठा जेको फ्रीज़ करे रखंदा आहिनि, कबाब जी रेसिपीस, इहे सभु ठाहींदासीं इनशाला। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, दुआनि में रखिजो, इनशाला नेक्स्ट वीक मुलाक़ात थींदी। अला हाफ़िज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।